हरियाणा के यमुनानगर में एक शख्स ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि मृतक ने सुसाइड से पहले 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर पूरी दास्तान लिख दी। 50 रुपए के स्टाम्प पर लिख दी अपनी मौत की कहानी और जहर खाकर कर लिया सुसाइड। मामला हरियाणा के यमुनानगर का है, जहां 40 वर्षीय ललित मोहन ने अपने कमरे में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौत के आगोश में जाने से पहले 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख दी पूरी दास्तान, जिसमें लिखा है कि तीन व्यक्ति किरण पाल, अजात सिंह और सुरेश कुमार जो ललित को परेशान कर रहे थे। मेरा छोटा ब्रदर ललित मोहन था, उसको कुछ लोग परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। परेशानी की जो दिक्कत थी वो ये थी कि कुछ लोगों ने रेलवे में नौकरी के नाम पे कलकत्ता में जाके ललित के माध्यम से कुछ पैसे किसी को दिए थे। जिसको पैसे दिए थे वो आदमी फ्रॉड करके उनसे भाग गया, क्योंकि पैसे ललित के माध्यम से थे। वो ललित को परेशान करते थे कि तू हमारे पैसे वापस देना, जबकि ललित ने कहा कि पैसे आपने अपने आप दिए। इस बात को लेकर पिछले एक साल से वो ललित के साथ मार पिटाई करते थे, रास्ते में उसको रोकते थे, उसके जगह जगह बेइज्जती करते थे। जहाँ कहीं वो काम करता था उसको वहाँ पर मतलब जान से मारने की धमकियाँ दिया करते थे। उन लोगों से परेशान होकर उसने कस्टाम के ऊपर अपना बयान हल्फी दे के उन लोगों के नाम लिखे। उसमें एक नाम है किरण पाल, एक नाम है अजात सिंह, एक सुरेश कुमार है श्याम सुंदरपुरी, तीन आदमियों के नाम है जिसके बारे में हमने पुलिस को अपना बयान दे दिया। अपना काम करें और जिन लोगों की वजह से मेरे भाई के साथ ये हादसा हुआ है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके पर पहुंची और मामले की गहनता से जांच कर रही है। ललित मोहन वासी बागड़ी मोहल्ला था, इसकी सुबह 9:30 बजे के घटना प्राप्त हुई थी। सिविल हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है, इसके बारे में मौका का मुआयना किया गया है। जहाँ से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, धमकी वगैरह मिली, बाकी घर वालों के स्टेटमेंट ले रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट आई उसके बाद कार्रवाई की। सर सुसाइड नोट में क्या पाया गया? 2-3 लोगों को एलिगेट किया है। कारण सर? कुछ पैसों का लेन देन। 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखा सुसाइड नोट जिसमें बयां कर दी मौत की कहानी। लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। यमुनानगर से राजीव जौली की रिपोर्ट।